अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल में। देखा दोस्तों किस तरह से मैंने उर्दू में बोला और ये टाइपिंग इंग्लिश में हो के आ गई। अगर आप इस तरह से टाइप करना चाहते हैं तो वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल में वॉइस टाइपिंग, इंग्लिश वॉइस टाइपिंग कैसे कर सकते हैं वो बगैर किसी इंग्लिश स्किल के। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को बनाया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, एक ऐप डाउनलोड करना है, कीबोर्ड है उसका नाम है इजी उर्दू कीबोर्ड, वो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। वो ऐप मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वो ऐप है जिसे आपने इंस्टॉल करना है। ये पाक डेटा का ऐप है, आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, इस ऐप को ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपको जो यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा वेलकम। वेलकम के नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा इनेबल इजी उर्दू, तो आपने यहाँ से इसको सिंपली इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन खुलेगा, ऑप्शन खुलने के बाद आपने यहाँ पे इजी उर्दू कीबोर्ड को यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करते ही आपको जाना है वापसी से बैक करना है। बैक करने के बाद ये ऐप जो है आपको, आप दोबारा इस ऐप में आ जाएंगे। तो इस ऐप में आने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपल इस कीबोर्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने ऊपर जो है इसको कीबोर्ड पे टैप कर देना है, तो यहाँ से आपका कीबोर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपको कहीं जहाँ कहीं भी टाइपिंग करनी है, वॉइस टाइपिंग, इंग्लिश वॉइस टाइपिंग, उर्दू टाइपिंग कहीं भी करनी है, तो वो मैं आपको लिखा देता हूँ कि मैं चले जाता हूँ अपने व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाकर मैं किसी को भी मैसेज लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ इस ये जो माइक, यहाँ पर मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा दूँ कि ये जो आपको ग्रीन बटन नज़र आ रहा है इसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो ये आप उर्दू में बोलेंगे तो ये उर्दू में टाइपिंग करेगा, और अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो ये इंग्लिश में टाइपिंग करेगा। मतलब क्या, अगर आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है तो आप इसको डिसेबल कर दें, और अगर आपको उर्दू में टाइपिंग करनी है तो आप इसको यहाँ से इनेबल कर दें। तो मैं आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग करके दिखाऊंगा, तो यहाँ से मैंने इसको डिसेबल कर दिया। अब आपको यहाँ जो माइक नज़र आ रहा है, इस माइक पर आपको टैप करना है। तो जैसे मैं टैप करूँगा तो ये मुझे बोलेगा वॉइस बोलने के लिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने जो इंग्लिश में बोला और ये इंग्लिश में टाइपिंग आ गई। अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ और भी बोल के दिखा देता हूँ। मुझे खाना खाना है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने बोला था मुझे खाना खाना है, तो यहाँ पे आ गया आई वॉन्ट टू ईट फूड। इसका मतलब ये है कि आप उसमें आसानी से इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं किसी से, और उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको उर्दू में टाइपिंग करके दिखाऊंगा कि आपको उर्दू में कोई मैसेज लिखना होता है, कोई पैगाम भेजना होता है, कुछ भी करना होता है, तो आपको परेशानी होती है, आप उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड करते हैं, फिर उसमें वर्ड को ढूंढते हैं कौन सा वर्ड कहाँ है क्या है, तो आप यहाँ से ईजिली इसको सिर्फ बोलेंगे और यहाँ पर टाइपिंग हो जाएगी। तो आप उर्दू में बोलने के लिए आपको यहाँ से जो है ये बटन को इनेबल करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको इनेबल करूँगा, अब मैं यहाँ पर उर्दू में ही बोलूँगा तो यहाँ पर उर्दू में ही टाइप करेगा। मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये टाइपिंग जो है इसकी हो गई। मैंने बोला था उर्दू में मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये इसने उर्दू में ही टाइप कर दिया। तो मैं अभी कुछ और भी बोलता हूँ। क्या हाल है तुम्हारे, कैसे हो, घर में सब कैसे हैं। तो ये देखें, मैंने जो बोला था वो यहाँ पे उर्दू में ही आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में इजीली इंग्लिश भी बोल सकते हैं, इंग्लिश लिख भी सकते हैं, उर्दू भी लिख सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें।